हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज से मैं सी प्रोग्रामिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मैं सी प्रोग्रामिंग की क्लासेस बेसिक टू एडवांस आपको बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक प्रोग्राम बताऊँगा, प्रोग्राम कैसे कंपाइल करता है, कैसे रन करता है, हेडर फाइल कैसे डिक्लेयर करते हैं, और प्रोग्राम में आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या ध्यान रखना है। तो चलिए, मैं बिना टाइम वेस्ट किए प्रोग्राम बनाता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक जो कंपाइलर यूज कर रहा हूँ वो है टर्बो सी प्लस प्लस। आप इस कंपाइलर को अपने पीसी या लैपटॉप जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें इंस्टॉल कर लें। अगर आप इस कंपाइलर को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं इस पर एक वीडियो अलग से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन होकर आ गया है कंपाइलर के अंदर, जिसमें हम लोग करेंगे प्रोग्रामिंग। तो आज की इस वीडियो में आपको दो नंबर को जोड़ने वाला नहीं, मैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाऊंगा, एकदम बेसिक। इससे इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें दो नंबर को जोड़ने वाला प्रोग्राम बताएंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस हम लोग चलेंगे। तो आज एकदम सिंपल एक प्रोग्राम बनाते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने वाला प्रोग्राम। तो चलिए, मैं हेडर फाइल डिक्लेयर करता हूँ, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। इसके बाद से हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, इसके बाद से हम लोग स्क्रीन को क्लियर करने वाला फंक्शन देते हैं, जिससे स्क्रीन क्लियर हो जाए, आपका जो आउटपुट आए वो एक फ्रेश स्क्रीन से आए। उसके लिए सी एल आर एस सी आर फंक्शन का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो जो लाइन को टर्मिनेट करने के लिए सेमी कॉलन का यूज करते हैं। से हर एक लाइन के आगे आप लोग सेमी कॉलन लगाएंगे। ए वाइड मैन के आप आगे गलती से सेमी कॉलन मत लगाइएगा, क्योंकि ये हेडर फाइल के हेडर फाइल में आता है। सो हम लोग का प्रोग्राम इस वाले ब्रैकेट जो है, इस वाले ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट के बीच में हम लोग का प्रोग्राम होगा जो प्रोग्राम देंगे। सो आप लोग इस ब्रैकेट के अंदर जो आप लोग प्रोग्राम राइट करेंगे उसको टर्मिनेट करने के लिए आप लोग सेमी कॉलन यूज करेंगे। आप गलती से यहाँ पर सेमी कॉलन मत लगाइएगा, नहीं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, इरर आ जाएगा। तो चलिए, हम लोग क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट प्रिंट फंक्शन देते हैं, और यहाँ पे हम लोग बैक स्लैश एन लगाएं, क्योंकि जो भी आपका आउटपुट आएगा वो एक नया लाइन से आएगा, उसलिए बैक स्लैश एन लगाते हैं। तो चलिए, हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो हम लोग ने जो हम लोग को प्रिंट करवाना हम लोग ने दे दिया यहाँ पे। अब हम लोग इस लाइन को भी टर्मिनेट कर देते हैं सेमी कॉलन से। उसके बाद से हम लोग गेट सी एच फंक्शन देते हैं, इसके बाद इसको भी टर्मिनेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग का एक प्रोग्राम हो गया है कंप्लीट। अभी से हम लोग कंपाइल कराएंगे और रन कराएंगे और देखेंगे हम लोग का आउटपुट आ रहा है या नहीं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम लोग ने यहाँ पर प्रिंट ऐप में जो आउटपुट दिया, हेलो वर्ल्ड दिस इज माई फर्स्ट सी प्रोग्राम, यही आउटपुट में शो हुआ। तो चलिए, हम लोग इसे पहले कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुल, कोई भी एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम में। तो चलिए, इसे रन कराते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आउटपुट आ चुका है, हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। चलिए, अब एक कोई की प्रेस करते हैं, हम लोग बाहर आ गए। तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ सिंपल प्रोग्राम आपको हेलो वर्ल्ड का। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लिखें हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको प्रिंट करवाना हो आउटपुट में, यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ भी प्रिंट लिख कर आपको आउटपुट में शो करता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप अपने मन से कुछ भी, अपना नेम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मेरा नेम है प्रियांशु, तो मैं यहाँ पर अपना नेम ही टाइप कर देता हूँ, पी
Y-A-N-S-H-U. S-H-U. तो फिर से अभी से हम लोग रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट मेरा नेम शो रहा है, प्रियांशु। तो स्टूडेंट्स ये थी हेलो वर्ल्ड या कुछ भी प्रिंट करवाने का प्रोग्राम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट पार्ट कितना जल्दी चाहिए और कैसा चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए। मैं नेक्स्ट पार्ट कोशिश करूँगा कि जल्दी आए। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।